सूक्ष्मखा अपना राक्षसी रूप त्याग कर और सुंदर रूप लेकर प्रभु श्री राम के पास जाती है। सूक्ष्मखा धीरे धीरे प्रभु श्री राम के पास जाती हैं और अपने सुंदर रूप से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। Trend in real life with Myntra. Shop from 50,000 trendy styles dropping weekly. Myntra Trend IRL.
Do you want to make... रुचिर रूप धरे प्रभु पयाए बोली वचन बहुत मुश्काई तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा बिचारे सुंदर राजकुमार तुम कौन हो हे देवी हम अयोध्या के नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम हैं और ये मेरी स्त्री सीता है और वो मेरा अनुज लक्ष्मण हम अपने माता और पिता की आज्ञा मानकर इन वनों में आए हे देवी हमने तो अपना परिचय दे दिया अब आप अपना भी परिचय बताएं तुम मुझे नहीं जानते और तुम भी मुझे नहीं जानते मैं लंकापति रावण की बहन स्वरूप नखा अजी उन विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बड़ा ही सोच समझ के बनाया है ना तो अब तलक तुम जैसा कोई पुरुष रचा है और ना ही जैसी कोई स्त्री इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो हे देवी हम विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं इसलिए हम आपका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकते वो देख रही हो वहां दूर मेरा अनुज लक्ष्मण है आप उसके पास जाइए वो तुम्हें भली भांति समझाएगा अच्छा तो चलो उसी से बात कर लेती हूँ Thank you.
परंतु सुन लो, तुम मुझे उस हटी जैसा रूह का उत्तर ना देना। वो तो रंग का काला, ना रंग का ना रूप का। मैं तो उसकी बस यूं ही परीक्षा कर रही थी, जैसे जैसे तुम गोरे वैसी मैं गोरी। यदि तुम पन्ना बन जाओ और मैं पन्नी, तो क्या खूब जोड़ी लगेगी हमारी। हे राजकुमार, अब तो मैं तुम्हारी ही होकर रहूंगी। हे देवी सुनिए। सुंदर सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, तुम जिनके पास से आई हो, मैं तो उनका दास हूं। वो ही तुम्हें भले प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ शोभा देता है। तुम उन्हीं के पास जाओ। यह तो बड़ा ही उपदेशक लगता है। लगता है मेरी आदाल नहीं गलेगी। वो श्याम वर्ण वाला, हाँ वो श्याम वर्ण वाला कुछ सरल स्वभाव का लगता है, परंतु उसके साथ भी स्त्री है, वो मुझे नहीं अपनाएगा। हाँ परंतु एक बार प्रयास करने में क्या बुराई है, उसी के पास जाके देख लेती हूँ। अजी वो तो बड़ा ही हटी है, आप ही मेरी बात मान जाओ ना। हे देवी, हमने आपसे कहा ना कि हम आपका ये आग्रह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप मेरे अनुज के पास जाइए, क्या पता वही तुम्हारा ये आग्रह स्वीकार करे। ओ छोटे राजकुमार, तुम मेरी बात मान जाओ ना। हे देवी, हमने कहा ना कि हम आपका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। और तुम भी नहीं? कदापि नहीं दीदी। नहीं नहीं। लंका की बहन रावण का बहन, रावण की बहन स्वरूप नखा का इतना अपमान, अब तो मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगी और अपना विकट रूप धारण कर इसकी स्त्री को ही खा जाऊंगी। भाग के जाना है। कहाँ गई? लक्ष्मण,
जी भैया। सुंदरी तनिक इस और आ, क्या तुमने कभी आकाश में सोने की चिड़िया देखी है? नहीं, सोने की चिड़िया? तो वो देखो, वो रही सोने की चिड़िया। कहाँ है? कहाँ? वहां देखो, कहाँ देखो? मुझे क्यों नहीं दिखते? कहाँ देखो? वो रही, वो देखो, कहाँ देखो? कहाँ देखो? कहाँ देखो? देखिए, कहाँ देखिए? नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ देखो? कहीं तुम मेरे साथ ठिठोले तो नहीं कर रहे? हे हां नाक कान भाई बिन बिकरा नृत्य का आयोजन किया जाए। सेनापति नृत्यकार तलवार तलवार सेनापति नृत्य का आयोजन किया जाए। तलवार अरे तलवार तलवार कोई देगा क्या? भैया मेरी जा, भैया भैया मेरी जा। ये कैसा बेतुका शोर है? ये किसके रोने की आवाज है? बताओ बहन, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? ये तो लड़के राम लगन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। जो पंचवटी में रहते हैं मालो जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जो मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। मेरे कान कटे डाले, मेरी नाक काटा। जिसने भी ये नीच कार्य किया है हम उसकी हस्ती मिटा देंगे। उन दुष्टों का तो क्या कहना, हम कुली उसका मिटा देंगे। बहन सुपनका तू हमें उसके पास लेके चल। Yeah.
सूतमुखा अपने भाई को भड़काती है और उसे लेकर पंचवटी की ओर जाती है, जहां प्रभु राम माता जानकी और लक्ष्मण के साथ हैं। तो चलिए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। कि राक्षसी सेना इसी ओर आ रही है, इसीलिए तुम जानकी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ और सावधान होकर रहना। तब तक मैं इन राक्षसों का नाश करता हूं। जो आ गया भैया। ले जाने की जाऊंगी कंदर भयंकर। राक्षसों की भयानक सेना दंडक वन में जाती है। एक कार जिसका नंबर UP14CX7699 है, यह इस तरीके से खड़ी है। इस कार की वजह से सारा मार्ग में विघ्न डल रहा है। जिस किसी की भी ये गाड़ी हो, प्लीज उस गाड़ी को शीघ्र अति शीघ्र वहां से हटा लें। गाड़ी का नंबर है UP14। के साथ इस अपमान का बदला हम तुमसे लेंगे। तुझे सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पे सुला देंगे। जो कर्म करने वाले हैं करते हैं, कहते कब हैं, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। जो गर्जे हैं वो परसे कब हैं। दुष्ट राक्षस हो, बातों में समय नष्ट ना करो, मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करो। हम रंजी चर्बिकानन मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को तो हम एक गिलास खा जाते हैं। प्रतीत होता है अपने प्राणों से अधिक मोह है आपको, इसीलिए बातों के बाण चला रहे हो। यदि बल है तो हमसे युद्ध करो और मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करो।
सेनाधारी हो तो इस पर हथियार चलाए हम इस छोटी धनवी बालक पे क्या हथियार चलाए हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है उस समय काल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। दुष्ट राक्षसों तुमने इन वनों में बड़ा उत्पात मचा रखा है आज तुम्हारा अंतिम दिन निकट आया है। मैं तुम्हारा अभी अंत कर देता हूं मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करो। लगता है तपस्वी तू ऐसे नहीं मानेगा। जो हुआ उसका तेरा भी होगा वही हाल। देख मेरा बाण आता है बनकर काल तेरा। एक ऐसी रिपोर्ट जो कि सिर्फ एक रिपोर्ट लक्ष्मण तुम जाओ और माता सीता के लिए कंद मूल ले आओ। जो आ गया भैया। हे सीते अब मैं मनुष्य लीला करने जा रहा हूं इसीलिए जब तक इन राक्षसों का नाश करूं तुम अग्नि में जाकर वास करो। आगे सीता 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 नीचे बैठेगी।